नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश पारिक और एक बहुत ही नई चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एम एच एब्रम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स नाम की जो बुक है उसके जितने भी एंट्रीज हैं उसमें उनका मैं पीपीटी के माध्यम से हूबहू वही लैंग्वेज उसकी हिंदी में आपको समझाऊंगा ताकि आपको लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा वो ए से स्टार्ट है तो उसमें एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पहली टर्म है, तो मैं इसको समझाता जाऊंगा साथ साथ में कुछ अपनी तरफ से जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपको आई विल कीप इम्पार्टिंग दैट ऑल्सो। जो टर्म है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन। ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोज फिक्शन और ड्रामा में अप्लाई होती है विच हैव इन कॉमन द सेंस। उसमें ये एक खास किस्म का एक साधारण सेंस होता है जो उनमें कॉमन होता है, वो होता है दैट द ह्यूमन कंडीशन इज एसेंशियली एब्सर्ड। इंसान की जो स्थिति है वो बेकार है, व्यर्थ है, एब्सर्ड का अर्थ होता है, एंड दैट दिस कंडीशन कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर दैट आर देमसेल्व्स एब्सर्ड। और क्योंकि जो साहित्य है वो भी एक एब्सर्ड चीज है, वो भी एक बेकार की चीज है, क्योंकि आप जब कुछ लिखते हो साहित्य के माध्यम से तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, एक नकारात्मक फिलॉसफी है ये। तो जब साहित्य का कुछ नहीं निकलता और इंसान का जीवन भी व्यर्थ है, बेकार है, तो उसके जीवन को आप इस बेकार चीज से ही दिखा सकते हो। बोथ द मूड एंड ड्रामेटर्जी। मूड आपको पता ही है, हर न केवल संगीत का, कविता का, साहित्य का या इंसान का, कई तरह का, कई चीजों का मूड होता है। मूड का मतलब है कि उसमें एक जो आम धारणा या जो माहौल उसमें दिखाया जाता है, और ड्रामेटर्जी का मतलब होता है नाटक दिखाने की सिस्टम, कला ऑफ एब्सर्डिटी वर एंटिसिपेटेड एज अल। इसको कब एब्सर्डिटी होती है इस तरह के ड्रामास में, इसको कब एंटिसिपेट कर लिया गया यानी सोच लिया गया, और वो बता रहे हैं एम एच एब्रम्स के एज अर्ली एज 1896 इन अल्फ्रेड जेरीज फ्रेंच प्ले उबू रॉय। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उबू रॉय का मैंने एक स्लाइड में देखिए एक चित्र दिखा रखा है जिसमें इंसान की जगह आप देखिए उनके कैरिकेचर्स दिखा रखे हैं। इससे पता चलता है कि ये इंसान का एक एब्सर्ड चित्रण है, और अल्फ्रेड जेरीज प्ले ने उबू रॉय में इन्होंने दिखाया था। द लिटरेचर हैज इट्स रूट्स आल्सो इन द मूवमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड सररियलिज्म। मैंने अपने यूट्यूब पे मॉडर्निटी और लिटरेरी मॉडर्निज्म पे दो वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, बड़े काफी एक एक घंटे के वीडियोज है दोनों, आप उनको प्लीज सुनिएगा। उसमें आपको मैंने इन दोनों जो पेंटिंग की ये जो विधाएं होती हैं एक्सप्रेशनिज्म और सररियलिज्म, इन दोनों को मैंने समझा रखा है। उन दोनों का मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ आपको कि ये आर्ट मूवमेंट थे, पेंटिंग के मूवमेंट्स थे जिसके अंदर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इंसान के यथार्थ का कि वो काफी ज्यादा इल्यूजन से भरा हुआ लगता है। ऐसे लगता है जैसे सपने में कोई चीज हो रही है, अर्थात उसका रियलिटी से कोई लिंक नजर नहीं आता। तो एज वेल एज इन द फिक्शन रिटन इन द 1920s ऑफ फ्रेंस काफ्का, एक ऑस्ट्रिया के बड़े राइटर हुए हैं फ्रेंस काफ्का। इन्होंने दो बुक लिखी थी, एक तो द ट्रायल, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने पर इनकी जो सबसे मशहूर है वो द ट्रायल है, और एक है इनकी शॉर्ट स्टोरी मेटामॉर्फोसिस। दोनों के अंदर इन्होंने, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में आपको। द ट्रायल में एक आदमी है जिसका आज बर्थडे है और उसका नाम है के, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना ये बताए कि उसका क्या दोष है, और पूरे नॉवल के अंदर एक अजीबोगरीब तरह की स्थितियां जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, एक घुटन भरा माहौल, और लास्ट में उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि उसका कसूर क्या है। और मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या दिखाते हैं, एक आदमी है, लड़का है जो काम पे जाता है रोज, एक दिन वो उठ नहीं पाता है क्योंकि वो ये महसूस करता है कि वो बहुत बड़ा खटमल बन गया है अपने पलंग में, और फिर किस तरह से वो मर जाता है और घर वाले उसको फेंक देते हैं। इसका मतलब है कि मेटामॉर्फोसिस का अर्थ ही होता है अपने शारीरिक स्थिति में बदलाव हो जाना। तो ये जो दो चीजें मैंने आपको समझाई हैं इनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशनिज्म और सररियलिज्म का इस्तेमाल करते हुए एक नाटक के अंदर ये दिखाना 20वीं शताब्दी के आरंभ में कि इंसान का जो जीवन है वो एक व्यर्थ चीज है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य बात ये है कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के अंदर हम नॉवल का नाम भी ले रहे हैं ये समझने के लिए कि ये दोनों ही चीजों में इस्तेमाल होता है एब्सर्डिटी का कॉन्सेप्ट। करंट मूवमेंट
however emerged, current movement मतलब ये जो theatre of the absurd है, ये emerge हुआ, उत्पन्न हुआ फ्रांस में after the horrors of World War II as a rebellion against essential beliefs that human that there are values of traditional culture and traditional literature. अर्थात ये movement कैसे आया? इसका मतलब है कि 20वीं शताब्दी से पहले का जो literature फ्रांस में लिखा गया है, उसमें ये मानते थे कि भाई literature में इंसान का एक सटीक चित्रण है, उसके अंदर कुछ समाज में वैल्यूज है, इंसान का जो और साहित्य में भी वैल्यूज हैं, हम इंसान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिटरेचर से. लेकिन इन सब चीज़ों पे यकीन धीरे धीरे खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया होगा और समाज दो हिस्सों में बटा होगा, गरीब गरीब होता चला गया होगा, अमीर अमीर होता चला गया होगा, तो किस तरह से एक बहुत ही भयावह स्थिति जब इंसान की हुई होगी, तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. क्योंकि मैं ये कहना ज़रूरी मानता हूँ उस पहली स्लाइड में कि ये एक वेस्टर्न नेगेटिव मूवमेंट है जिसको हम एग्जिस्टेंशलिज्म बोलते हैं, एक फिलॉसफी है जिसका मैं अगली स्लाइड में आपको रेफरेंस समझाऊंगा. और ये भारतीय या हिंदू फिलॉसफी में नहीं नज़र आती, इसलिए बहुत से भारतीय विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी जो फिलॉसफी है वो आनंद की फिलॉसफी है, हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, और उसमें इंसान का जो जीवन है वो अंतिम जीवन नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं एक जल्दी नहीं है, और वो वैल्यूज़ के अंदर काफ़ी बिलीव करता है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमने नहीं देखा, हमारे यहाँ पर जो रेनेसा के प्रभाव है उसके माध्यम से अंग्रेज जब यहाँ आए, तो जिस तरह से उन्होंने जो मॉडर्न रेनेसा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की मानसिकता का और भावनाओं का ख्याल रखता हूँ जब हम ऐसा कहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु था कई मामलों में. बिल्कुल था, लेकिन बात चल रही है कि अब हमारी क्या स्थिति रही है पिछले 500 सालों के अंदर. उस स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से रेनेसा ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो दिया है वेस्टर्न कल्चर को, उसका क्या नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, वो ये नाटक जो थिएटर ऑफ द एब्जर्ड वो दिखाते हैं. अगली दिस अर्लियर ट्रेडिशन जिसमें साहित्य को वैल्यू वाला माना जाता था, हैड इंक्लूडेड द अजम्पशंस दैट ह्यूमन बींग्स आर फेयरली रैशनल क्रीचर्स. जो पहले का साहित्य था वो मानता था कि इंसान एक लॉजिकल जीव है, हु लिव इन एन एट लीस्ट पार्शली इंटेलिजिबल वर्ल्ड, और वो एक ऐसे समाज में ऐसे संसार में जीता है जिसको वो कुछ हद तक समझ सकता है, दैट दे आर पार्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर, और कि इंसान जो है वो एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिसमें एक ढांचा है जिसको समझा जा सकता है, एंड दैट दे मे बी केपेबल ऑफ हीरोइज्म, और की कि इंसान जो है वो इस योग्य है कि वो हीरो बन सकता है, नायक का काम कर सकता है, एंड डिग्निटी का काम कर सकता है इवन इन डिफीट, और चाहे वो हारा हुआ ही क्यों ना हो वो अपनी गरिमा का मतलब बखूबी पालन कर सकता है. आफ्टर द 1940s however, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड टेंडेंसी, लेकिन 1940 जबकि आपको मालूम है पहली वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, दूसरी भी स्टार्ट हो चुकी थी, और बहुत बड़ी डिप्रेशन जिसको आर्थिक मंदी कहते हैं उससे इंग्लैंड अभी उभरा भी नहीं था. आप उस देखिए उस दौरान however, there was a widespread tendency, एक चारों तरफ एक खास अवधारणा फैल गई, especially prominent in the existential philosophy of men of letters. कुछ ऐसे विद्वान लोग थे जिन्होंने एक फिलॉसफी दी थी जिनका नाम है जीन पॉल सार्त्रे और अल्बर्ट कामू. मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप मेरी YouTube चैनल पे उसको सर्च करके उसे जरूर सुनिए, वो प्योर इंग्लिश में है, लेकिन आप इसको अगर दो बार सुनेंगे तो आपको ऐसी टर्म्स समझ में आएंगी जिससे आपका जो साहित्य का ज्ञान है और फिलॉसफी का जो नॉलेज है वो थोड़ा बढ़ेगा और आप लिटरेचर को बहुत अच्छी तरह से समझने लगेंगे. तो मैं बता रहा था कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से थिएटर ऑफ एब्जर्ड का उदय होता है, और एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के अंदर क्या माना जाता है, टू व्यू अ ह्यूमन बींग एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंट हु इज कास्ट इनटू एन एलियन यूनिवर्स, कि इंसान जो है वो एक अलग थलग एक अपनी अस्तित्व रखता है इस यूनिवर्स में, और वो अनजान है इस यूनिवर्स से, उसको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका जन्म क्यों हुआ है, वो टू कंसीव वो समझ नहीं पाता इस यूनिवर्स को, हालांकि वो उसे पोजेस तो किए हुए है, धारण तो किए हुए है. नो इनहेरेंट ट्रुथ, उसको उसके अंदर कहीं कोई सत्य मालूम नहीं पड़ता है, कोई उसमें मूल्य मालूम नहीं पड़ते हैं, कोई अर्थ नहीं नजर आता उसको इस संसार का, ऐसा वेस्टर्न लोग सोचते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के अंदर. एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इन इट्स फ्रूटलेस
सर्च फॉर पर्पज एंड मीनिंग। और ये एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर्स सोचते हैं कि इंसान का जो जीवन है वो पर्पजलेस है, मीनिंगलेस है और उसके जीवन का कुछ नहीं होता। वेंस इट केम टूवर्ड, और वो जहाँ से आया है वो एक शून्य है बहुत बड़ा, और जहाँ वो जाता है वो भी एक बहुत बड़ा शून्य है। ये नथिंगनेस का अर्थ है यहाँ पे, एज एन एग्जिस्टेंस विच इज बोथ एंग्विश्ड एंड एब्सर्ड, और उसका जो अस्तित्व है धरती पर वो घुटन से भरा हुआ है और व्यर्थ है। तो इस फिलॉसफी के अंडर जब आप ड्रामा लिखोगे तो आप इंसान को कैसा दिखाओगे? आप उसको इस तरह की परिस्थितियों में दिखाओगे कि वो कुछ भी मीनिंगफुल काम नहीं करता है। इसे शून्यवाद कहते हैं। शून्यवाद के नाम पर मुझे एक बड़े राइटर याद आ रहे हैं, जो मॉडर्निज्म, जो लिटरेरी मॉडर्निज्म पे मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसे प्लीज देखिए। उसमें मैंने बता रखा है कि फ्रेडरिक नीश एक बड़े फिलॉसफर हुए हैं जिन्होंने गॉड इज डेड और दस सेड ज़ोरास्ट्रा नाम की दो किताबें लिखी हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो इंसान का जीवन है, ये जो संसार में इंसान है, वो व्यर्थ जीवन जी रहा है। एक नकारात्मकता है उनके सिद्धांत में। अगली स्लाइड पे, और अब आप बात करेंगे, हम बात करेंगे कामू के बारे में। मिथ ऑफ सिसिफस एक किताब लिखी थी 1942 में उन्होंने। आप साथ में एक स्लाइड में चित्र देख रहे हैं, इसमें मैंने दिखा रखा है, इस किताब के पृष्ठ के ऊपर कवर पे ये दिखा रखा है कि सिसिफस नाम का आदमी को ये सजा मिलती है भगवानों के द्वारा। मिथ में है ये, माइथोलॉजी में है उनके, कि वो एक पत्थर को, गोल पत्थर को पहाड़ पे लुढ़का के ले जाएगा। तो आपको पता है वो पत्थर लुढ़क कर वापस नीचे आ जाएगा और उसका ये काम कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही एग्जिस्टेंशलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं वो सोचते हैं कि इंसान ऐसे ही जीवन जी रहा है सदियों से, जैसा हमारे बाप दादाओं ने जीवन जिया, हम भी बस बिल्कुल उसी तरह से जीवन जीते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैं उस फिलॉसफी की बात कर रहा हूं जो एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी है। इन अ यूनिवर्स दैट इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजंस एंड ऑफ लाइट, ऐसा संसार जिसमें हम जी रहे हैं जो वंचित है हर तरह के भ्रम से, और जब भ्रम ही नहीं रहेगा तो कोई रोशनी नहीं है, कोई आशा नहीं है। मैन फील्स अ स्ट्रेंजर, ऐसे में इंसान अपने आप को अजनबी महसूस करता है। He is an irremediable exile. ऐसा लगता है वो एक ऐसे वनवास में है जिसकी कोई इलाज नहीं है। This divorce between man and his life. तो उसकी जिंदगी में, आदमी की जिंदगी में और उसके इंसान के और उसकी जिंदगी के बीच में कोई लिंक नहीं है। वो एक्टर एंड हिज सेटिंग, इंसान एक एक्टर है, उसके प्लॉट और सेटिंग में कोई अर्थ नहीं है। ट्रूली कॉन्स्टिट्यूट्स द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी, और जब ऐसी फीलिंग आती है तो आप समझ सकते हो कि इंसान को नकारात्मकता की और व्यर्थ होने की फीलिंग का एहसास होता है। यूजीन आयोनेस्को का नाम आ रहा है, जो कि फ्रेंच ऑथर रहे हैं। उनके दो ड्रामास बहुत फेमस हैं, द बॉल्ड सोप्रानो एंड द लेसन। एक और उनका ड्रामा फेमस है जिसपे नेट पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये सभी टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट और तरह तरह के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के काम आएंगे, और उसके अंदर मैं आपको एक कुछ कुछ ड्रामास के उदाहरण बीच बीच में देता जाऊंगा जो एग्जाम में आए हैं। जैसे यूजीन आयोनेस्को का एक ड्रामा बहुत फेमस है, सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। इस पे नेट में कम से कम चार बार मैंने प्रश्न देखे हैं। इनके अंदर राइटर दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इन्वर्टेड कॉमास की लाइन पढ़ रहा हूँ, कि इंसान जो है वो कट ऑफ है फ्रॉम हिज रिलीजियस, मेटाफिजिकल एंड ट्रांसेंडेंटल रूट्स की। रूट्स नहीं है उसके पास, कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं है, इंसान खोया हुआ है। ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, उसके सारे एक्शंस बिल्कुल व्यर्थहीन हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं है, एब्सर्ड है, यूजलेस है। आयोनेस्को ऑल्सो सेड इन कमेंटिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ मूड्स इन द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, उन्होंने अपने जो भी लिटरेचर उन्होंने लिखा है, उस लिटरेचर में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इंसान का जीवन एक व्यर्थ जीवन है। पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेसनेस, इंसान मीनिंगलेसनेस में पड़ा है। कैन ओनली बी ग्रोटेस्क, उसका जीवन भद्दा हो सकता है, डरावना हो सकता है। सफरिंग्स कैन ओनली अपीयर ट्रेजिक बाय डिराइजन, और उसकी जो सिचुएशंस हैं, उसकी जो सफरिंग है, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई मुक्ति उसे नहीं मिलने वाली। वो भले उनसे नफरत करे अपनी ट्रेजिडी से, लेकिन वो सिर्फ ट्रेजिडी ही जीता है। साइड पे मैंने बिल्कुल उन्हीं बातों को कोट किया है, लेकिन द वॉल्ड सोप्रानो का आपको पोस्टर जरूर दिखाया है। हालांकि जो लिखा हुआ है वो वही है जो पिछली स्लाइड पे था, इसलिए हम अगली स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक पोस्टर, इसमें सैमुअल बेके का वेटिंग फॉर गोडो का, जो ड्रामा मोस्टली एमए में पढ़ाया जाता है, सैमुअल बेके ने लिखा था, जो कि द मोस्ट एमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं इन दिस मोड
थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, बोथ इन ड्रामा एंड इन प्रोज फिक्शन. उन्होंने फिक्शन भी लिखा है जो मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा, और ड्रामा में उनका सबसे फेमस माना जाता है वेटिंग फॉर गोडो. ये आयरलैंड के रहने वाले थे लेकिन पेरिस में रह करके वो लिखते थे. तो इनके वर्क्स जो हैं दे वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. अब उनके प्लेस की बात करते हैं. उनका खास प्ले है वेटिंग फॉर गोडो और एक है आप इनका एंड गेम. अब इनके जो प्ले है इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे इंसान जो है, इसमें दो कैरेक्टर हैं जो बैठे हैं आपके सामने दिख रहा है आपको, एस्ट्रगन एंड व्लादिमिर हैं, और ये दो ट्रैम्प्स दिखाए हैं जिनका अर्थ है, ट्रैम्प्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो मजदूर टाइप के होते हैं जिनका कोई घर नहीं है, चौराहे पर खड़े हैं. एक पेड़ दिखाया जिसपे पत्ते नहीं हैं और एक किसी का इंतजार कर रहे हैं गोडो का. गोडो एक अपभ्रंश है गॉड वर्ड का, अर्थात गॉड को बिगाड़ दिया गया है नाम से. इसका मतलब है वो इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो सुकून, वो गॉड, वो आशा इनके हाथ कभी नहीं लगती है क्योंकि वो इंतजार ही करते रहते हैं और उनको यही नहीं पता कि उनका जीवन किस लिए है. तो इस प्रोजेक्ट में वो इरैशनलिज्म दिखाते हैं क्योंकि जो डायलॉग इसमें दिखाया है इस ड्रामा में वो इरैशनल है, अर्थात उनके डायलॉग के कोई मीनिंग नहीं निकल रहे हैं. हेल्पलेसनेस दिखाई है इनकी और एक एब्सर्ड कंडीशन दिखाई है वो इंसानियत को रिप्रेजेंट करती है. ऑफ लाइफ इन ड्रामेटिक फॉर्म्स दैट रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग. अब मैंने बताया ना कि ये रियलिस्टिक सेटिंग से दूर होते हैं ड्रामा. रियलिस्टिक सेटिंग होती है कि जितने भी हम शेक्सपियर के या दूसरे ड्रामास देखते हैं और पढ़ते हैं तो उनमें बाकायदा एक शहर है, उस शहर का नाम है, लेकिन इनमें अनाम शहर, अनाम जगह, कैरेक्टर्स भी ऐसे मिक्स होते हैं जिनके बारे में हम दो टुक नहीं कह सकते कि ये कौन है. तो उनकी अनरियलिस्टिक सेटिंग्स होती हैं, उनकी कोई लॉजिकल एंडिंग नहीं होती है, कोई ऐसा प्लॉट नहीं होता है जिसको, जैसे वेटिंग फॉर गोडो के दो एक्ट्स हैं और दूसरे एक्ट में लगभग सेम घटनाएं दोबारा घटती हैं थोड़े बहुत चेंज के साथ. ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरा ये उदाहरण समझते हैं कि इंसान का जीवन कैसा है. जैसा हम जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, काम पे लगते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको पालते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हमारी अगली पीढ़ी भी सेम काम दोहराती है, कुछ नया नहीं है. तो इस तरह से लाइफ को ये मीनिंगलेस मानते हैं, इसीलिए कोई प्लॉट नहीं दिखाते हैं. वेटिंग फॉर गोडो प्रेजेंट्स टू ट्रैम्प्स इन अ वेस्टलैंड. ये मैं आपको ऑलरेडी कहानी समझा चुका हूं, इसका लास्ट का डायलॉग पढ़ देता हूं कि इसमें वो एक डायलॉग आता है, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट इज ऑफुल. ऑफुल मैंने डरावना. कहता है कोई नहीं आता, कुछ नहीं घटता, क्योंकि जब आप अपना जीवन शुरू करते हो तो बड़ा मीनिंगफुल लगता है लेकिन आप उसको गुजार करके जब आपकी मृत्यु होती है तो वो बिल्कुल शून्य में तब्दील हो जाता है. तो व्हाट कम्स राउंड गोज राउंड वाली जो कहावत है वो यहां सिद्ध होती है कि एक विशेष सर्कल बन के रह जाता है जीवन. ये समझते हैं कि अगर जीवन का अंत मौत से है तो फिर हमने कमाया ही क्या, हमने पाया ही क्या. इसका मतलब है एक शून्यवाद, एक नाहिलिज्म, एक नकारात्मकता जो है वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के अंदर एग्जिस्टेंशियल, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है उसके माध्यम से दिखाई जाती है. अगली लाइक मोस्ट वर्क्स इन दिस मोड द प्ले इज एब्सर्ड इन द डबल सेंस दैट इट इज ग्रोटेस्कली कॉमिक. अब यहाँ पे एक नई बात हमें और समझ में आती है कि इस तरह के ड्रामास को बहुत ही ग्रोटेस्कली, मतलब डरावने तरीके से कॉमिक दिखाया जाता है. ऑल्सो इरेशनल एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल. नॉन कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब कहीं कोई सीक्वेंस नहीं दिखाते क्योंकि लाइफ का कोई सीक्वेंस है ही नहीं. हम कभी भी श्योर होकर नहीं कह सकते कि लाइफ में इसके बाद ये घटना घटेगी. इट इज अ पैरोडी. ये ड्रामाज एक खास किस्म की नकल होते हैं, नॉट ओनली ऑफ द ट्रेडिशनल अजम्पशंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि नाहिलिज्म और थिएटर ऑफ एब्सर्ड और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी आने से पहले भी आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर को बाकायदा एक मीनिंगफुल कल्चर माना जाता था. तो ये जो नए ड्रामेटिस्ट हैं वो उसकी पैरोडी दिखाते हैं, मजाक दिखाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, बट ऑफ द कन्वेंशंस एंड जेनरिक फॉर्म्स ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रामा. उनके जितने भी रीति रिवाज हैं जो कन्वेंशनल तरीके से लिखे जाते थे, जेनरिक मतलब जो ट्रेजेडी और कॉमेडीज हैं उनका, एक तरह से उन फॉर्म्स का ये मजाक उड़ाते हैं इसलिए उसको मिक्स कर देते हैं. इसका मतलब है कि इंसान अब वो नहीं रहा, इंसान फालतू में ही मीनिंग समझ रहा था जीवन में, मीनिंग नहीं है, एंड इवन ऑफ इट्स ओन इन एस्केपेबल पार्टिसिपेशन इन द ड्रामेटिक मीडियम. अब दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है द ल्यूसिड बट एडिंग एंड पॉइंटलेस डायलॉग. एम एच एब्रम कह रहे हैं कि डायलॉग समझ तो आते हैं, ल्यूसिड होते हैं, लेकिन वो एडिंग है, मतलब वो एडिंग का मतलब होता है बगल से निकल रहे हैं, कुछ जोड़ते हुए, हर डायलॉग में कुछ ना कुछ आप जोड़ देते हैं और कुछ पॉइंटलेस चीज आ जाती है जो कुछ फनी होती है, कुछ प्रैटफॉल और कुछ स्लैपस्टिक्स इसमें दिखाते हैं. अब आपको इन दो शब्दों के अर्थ, दो शब्द हैं
मैंने बताया फनी होते हैं, और प्रैट फॉल्स का मतलब होता है कि कुछ करते करते अचानक से कुछ और करने लग जाना। और मोड्स ऑफ स्लैपस्टिक्स का मतलब होता है गिरना पड़ना, ऐसे डायलॉग्स बोलना जिसमें हंसी आए, आर यूज टू प्रोजेक्ट द एलियनेशन एंड ट्रेजिक एंग्विश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब ये इस ड्रामाज, इस तरह के जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के ड्रामा होते हैं उसमें इंसान को ऐसा करते हुए इसलिए दिखाते हैं ताकि उसकी एलियनेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके, उसकी जो एक घुटन है ट्रेजिक घुटन के उसका अंत में उसका कुछ नहीं होगा उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। बैकी की फिक्शन के नाम मैं ले रहा हूँ जिसका मैंने यहाँ पे पोस्टर भी लगा रखा है बगल में, आप देखिए, मेलोनिडाइज, द अननेमेबल और मॉली, ये उनके तीन फिक्शंस हैं। इसके अंदर भी उन्होंने एंटी हीरोज दिखाए हैं, एब्सर्डिटी दिखाई है। एंटी हीरो होता है जैसे एक विलेन होता है लेकिन उसका एंड नहीं दिखाते, उसकी मौत नहीं दिखाते, इस अर्थात इंसान जो है और वो उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती हैं, वो एक बुद्धू टाइप का इंसान दिखाते हैं। तो इसका मतलब है आप नोटिस कीजिए, आप जैसे आप थिएटर अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो मुझे याद आ रहा है एनिमल फार्म जिसमें एंटी हीरो दिखाया है जॉर्ज ऑरवेल ने, या कि आप 20th सेंचुरी के जितने भी नॉवेल्स पढ़ेंगे उसमें हीरोज को कम दिखाया है जिसके अंदर वो सारी बहादुरी की, गैलेंट्री की, मुसीबतों का सामने करने की जो क्वालिटीज़ हैं वो ना दिखा करके एक झुग्गी झोपड़ी का एक कैरेक्टर वो लोग दिखाते हैं, गंदे कपड़े हैं, बोलचाल का उसको होश नहीं है, इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाने को एंटी हीरो दिखाते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आम इंसान की कंडीशन को हीरोइक नहीं है, हीरो का बिल्कुल अपोजिट दिखा देते हैं। और लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो हमें कहीं तक नहीं ले जाता, लैंग्वेज हमें, लैंग्वेज का जो कंस्ट्रक्शन है, लैंग्वेज जो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती है वो भी मीनिंगलेस है। इट मीन्स इसके थ्रू ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि टूटे फूटे डायलॉग, बीच में डायलॉग्स का तोड़ देना, डायलॉग का मीनिंग नहीं निकलना, ये बताते हैं कि भाषा जो है, भाषा भी हमारे एब्सर्ड कंडीशन को व्यक्त नहीं कर सकती। बट टिपिकली बैकेज कैरेक्टर्स कैरी ऑन इवन इफ इन अ लाइफ विदाउट पर्पस, लेकिन ड्रामा पूरा होते हुए दिखाते हैं बैके, उनके कैरेक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो कोई मीनिंगफुल जीवन जी रहे हैं लेकिन एक्चुअल में मीनिंग नहीं दिखाते, कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। उनके कम्युनिकेशन भी एक तरह का नॉन कम्युनिकेशन साबित होता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन कोई हल नहीं निकालता, जीवन का कोई हल नहीं है। अनदर फ्रेंच प्लेराइट ऑफ द एब्सर्ड वॉज जीन जेनेट, कंबाइंड एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप पोस्टर देख रहे हैं, हालांकि ये रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड, जो टॉम स्टॉपर्ड का मशहूर प्ले है उसके हैं, लेकिन इसमें दो खोपड़ियां दिखा रखी हैं, ये डरावनी है। तो एब्सर्ड यानी कि व्यर्थता, और साथ में डायबोलिक का मतलब क्या होता है, डरावनापन, विलेन वाला, इन दो चीजों को वो मिक्स कर देते हैं कि इंसान का जो जीवन है वो ऐसा है। अब इस तरह के ड्रामास हैरल्ड पिंटर ने लिखे हैं, आप उनका बर्थडे पार्टी पढ़िए, हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी का जो हीरो है उसको अचानक से पीटा जा रहा है, उसे यही नहीं पता कि उसका आज होगा क्या, उसको यही नहीं पता उसका बर्थडे है कि नहीं, और ऐसी कंडीशन दिखाई जाती है। एडवर्ड एलबी जो अमेरिकन राइटर हैं, इनके प्ले का नाम है जो सबसे फेमस, मैं उनका उसका नाम लेता हूँ, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आप देखेंगे कि डायलॉग का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उन्होंने कल्पना कर रखी है कि हमारे एक लड़का है लेकिन वो लड़का एक्चुअल में होता ही नहीं है। तो इंसान का जो जीवन बाहर दिख रहा है और अंदर उसके अंदर कोई अर्थ नहीं है, ये दिखाने की कोशिश थिएटर ऑफ एब्सर्ड में की जाती है। और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ये सब ड्रामेटिस्ट भी शामिल है, जिसमें पिछले स्लाइड में यूजीन आयोनेस्को का नाम आया, फिर आप देख रहे हैं जीन जेनेट का नाम आया, फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं एडवर्ड एलबी का नाम आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर टॉम स्टॉपर्ड का नाम आ रहा है, रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड उनका ड्रामा है, ट्रेवेस्टीज उनका ड्रामा है। ये इनके अंदर एक्सप्लॉइट द डिवाइसेस ऑफ एब्सर्डिस्ट थिएटर। अब एब्सर्डिस्ट थिएटर का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, बेतुकी चीजें दिखाना, इंसान की ट्रेजेडी दिखाना, हंसी दिखाना, डायलॉग को इनकम्प्लीट होते हुए दिखाना, और कोई प्लॉट नहीं दिखाना, कोई सेटिंग नहीं, कोई प्ले का अंत नहीं, कोई स्टार्टिंग नहीं ढंग की, ऐसे इस तरह की जो डिवाइसेज है उनको एब्सर्डिस्ट थिएटर के डिवाइसेज बोलते हैं, और उनकी कोई फिलोसॉफिकल एंडिंग भी नहीं हो रही है, ऐसा दिखाया जाता है। देर आर ऑल्सो अफिनिटीज विद दिस मूवमेंट इन द न्यूमरस रिसेंट वर्क्स विच एक्सप्लॉइट ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर। ब्लैक कॉमेडी बोलते हैं जिसके अंदर हमें हंसी नहीं आए बल्कि रोना आए, ऐसी कठिन परिस्थितियां इंसान की दिखाई जाएं जो बहुत ज्यादा ट्रेजिक हों।
बिलफुल और नाइव। बिलफुल मतलब नफरत योग्य, नाइव का मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब, इनएप्ट, अनुपयुक्त कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल सूट नहीं करते किसी इस कंडीशन को। और ऐसे नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड दिखाया जाता है, अर्थात जैसे कोई दुस्वप्न हो। और जैसे कि एक ऑक्सीमोरन वर्ड यूज किया आयोनेस्को ने, देखिए, ट्रेजिक फार्स। ट्रेजिक फार्स, ट्रेजिक मतलब नेगेटिव शब्द है, त्रासदी, फार्स मतलब हंसी, मजाक। तो ये जीवन एक मजाक है, और इस मजाक को भगवान ने शायद हमसे किया है, हमें पैदा कर, जो हमें ट्रेजिडी हमें झेलनी पड़ती है, अर्थात इंसान का कुछ नहीं हो सकता, उसमें डरावनापन लिए हुए है हमारी जिंदगी। और एग्जाम्पल्स इस स्लाइड पे मैंने दिए हैं लास्ट में, एमएच एब्रम ने दिए, मैं उनको समझा रहा हूँ। जोसेफ हेलर का कैच 22 नॉवल है, थॉमस पिंचॉन का फाइव नाम का नॉवल है, जॉन इरविंग का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प है, और कुछ नॉवेल्स हैं जिसमें गुंटर ग्रास, जो कि जर्मनी के राइटर हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं, इनका टिन ड्रम बहुत फेमस है, इस पर नेट पे क्वेश्चन भी आया है। और अमेरिकन राइटर जैसे कुट वोनेगर्ट हैं, जॉन बार्थ हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं। स्टैनले कुब्रिक का डॉक्टर स्ट्रेंज ग्लव, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी मैं समझा चुका हूँ, इसमें सिनेमा का भी उदाहरण दिया है, ये सिनेमा का अर्थात एक फिल्म है, आप इसको गूगल पे जाकर के आप देखिए, इसको यूट्यूब पे जाके चेक कीजिए, डरावनापन इसमें लिए हुए हैं। मोर रिसेंटली सम प्ले राइट्स लिविंग इन टोटेलिटेरियन रिजीम्स। टोटेलिटेरियन रिजीम समझना है तो आप समझ जाइए जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल्स के अंदर, खास तौर पे 1984 में जिस तरह का समाज दिखाया है कि एक खास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों के घरों में कैमरे लगा लेती है, और इंसान कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं वो। ऐसी समाज के अंदर जब इंसान जीता है तो उस समाज को आर्ट के माध्यम से दिखाया कि इंसान का जीवन कितना ज्यादा दूसरों के कंट्रोल में, अर्थात एब्जर्ड है, बेकार है, उसका खुद की कोई इच्छा नहीं है। एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने ये भी पढ़ देता हूँ आपको, लार्गो डेजोलाटो का बाय द चेक वैक्लव हैवल एंड द आइलैंड, इनका वर्क है, अ कोलैबोरेशन बाय द साउथ अफ्रीकन राइटर। ये हमारे काम का उतना नहीं है, लेकिन मार्टिन एस्लिन की किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए जरा, द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको इग्नू के कोर्स में तो बाकायदा ये बुक रखी गई है, और सजेस्टेड रीडिंग में भी होती है। आप ज्यादा नहीं तो जो थिएटर ऑफ द एब्जर्ड है, ये जो टर्म है, ये मार्टिन एस्लिन ने दी है अपने बुक द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड के अंदर। और ड्रॉ जो डेविड ग्रॉस वॉगेल का नाम आ रहा है, इनकी किताब का नाम है द ब्लास्फेमर्स, और द थिएटर ऑफ द ब्रेक्ट है, ब्रेस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, मैं थिएटर ऑफ द ब्रेस्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे हमें एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जिसकी आपको मैं बाकायदा एक अलग वीडियो बना के दूंगा। ये जर्मनी के बड़े राइटर हुए हैं, थिएटर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है। और आयोनेस्को का नाम ऑलरेडी आ चुका है, सैमुअल बेके का नाम आ चुका है, जीन जेनेट का नाम आ चुका है, और उसके बाद इसमें हमारे लायक और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप ऐसे ऑन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए नेट के हिसाब से। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।